जिहिन साथियों सहित जवान कालू लाल नागरसर की अंतिम विदाई देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ सेना के विशेष वाहन से हजारों लोगों के जनसैलाब के साथ जवान के सम्मान में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। आसपास के क्षेत्र के लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद जवान कालू लाल नागरसर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। सैनिक कालूलाल नागर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कालूलाल पश्चिम बंगाल के पानागढ़ क्षेत्र में भारतीय सेना के रूप में आर्मी सप्लाई कोर में कार्य करते थे, जहां पर शनिवार की शाम को सेना के वाहन का टायर फटने से हमारे वीर जवान कालूलाल नागर वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनका पार्थिव शरीर आज सेना के विशेष वाहन से देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ उनके गांव लाया जाएगा, जहां जवान का सेना सम्मान के साथ उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 5 जून को उनकी शादी करवा निवासी टीना से हुई थी। वह शादी के बाद से ही ड्यूटी पर चले गए थे। जवान कालूलाल नागर का भारतीय सेना में 2019 में चयन हुआ था, जहां पर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में रहकर देश की सेवा की। जवान के शहीद होने की सूचना मिलने के बाद गांव और गांव के आसपास के क्षेत्र में कोहरा मच गया। जवान के सम्मान में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ शहीद जवान कालूलाल नागर का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा, जहां पूरे सेना सम्मान के साथ शहीद जवान कालूलाल नागर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। भारत माता के वीर सिपाही को मैं उनकी सेवाओं के लिए सच्चा नमन करता हूँ।